शहर से आकर जिसने इतनी ढेर सारी कुश्तियाँ लड़ी हैं बाहर और एक इंडियन रेसलिंग को नहीं पहचान दी है, तो इसीलिए हम गए थे। उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, बता नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि एक तो उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनका शरीर और उन्होंने खाना पीना सब कुछ पहले छोड़ दिया, जो हिंदू ने बताया हमें कि उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने आप से मतलब चल फिर नहीं सकते, तो चाहते नहीं थे कि वो जी कुछ करे, बिंदु जी जो मुझे ऐसा बता रहे थे। मगर जो अब देख कर आए हैं तो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है और अब पहचाने नहीं जा रहे हैं कि उदार सिंह जी इतने कमज़ोर हो गए हैं, और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ और फिर वापस आएँ काम करें। हाँ, मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगी कि बिंदु जी के साथ मैंने कुछ रियलिटी शोज़ किए थे, तो ऑब्वियसली जब सुना तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई नो दैट ही इज़ क्लोज टू हिज फादर। यहाँ भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी एडमिट हैं, आप मिले उनसे? मैं उनको नहीं जानती, बट अगर नहीं, जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब एडमिट हैं अभी पता चला, अगर वाकई वो सीरियस है, क्योंकि एक इंसान इंसानियत के नाते कल हम आएंगे तो उनसे जरूर मिलेंगे, अभी पता चला आपने बताया कि वो एडमिट है, क्योंकि दारा सिंह जी भी हम काफ़ी न्यूज़ सुन रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं, और मैं यहाँ दारा सिंह जी के लिए आया हूँ क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से ट्रेन लेकर खेल रहा हूँ और अब ओलंपिक में भी अपनी इंडियन रेसलिंग टीम के लिए एक्सपर्ट बन रहा हूँ कि बताऊँगा कि पब्लिक को कि रेसलिंग ये है,